जिन्हें भी जाने संयुक्त मोर्चे के पेज तो लाइव देखेंगे जा देख रहे हैं सबनों मैं फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सलाम सारू, राम राम। जिन्हें भी मेरे भैन भरा देखेंगे गल कर रहे थे संयुक्त मोर्चे जो कि अंदोलन बारे सबू पता ही है। सब तो पहली गल मैं जी करना चाहना कि जो सरकार ने बड़े हथ कंडे देखो अपनाए, सूँ पता भी जदों का यह अंदोलन स्टार्ट होया सरकार ने इस अंदोलन फेल करने लिए सारे दे सारे ही इन्हों के प्रोपो कंडे सारे दे सारे इन्हों का फेल होए जिन्हें भी इन्होंने जो गल्लां कीतियां। पर हुण जिहड़ा नवां इन्होंने एक होर नवीं चाल चली है सेंटर गौरमेंट ने करोना की गल। सब तो पहली गल जे मैं करोना ते आ जा, जेकर सरकार नूं इन्नी दुख तकलीफ आ भी करोना की भी मन के चल भी करोना फैल रहा है, किसानों कह रहे हैं ऑपरेशन क्लीन दी गल्लां चल रही ने, जेकर सरकार नूं इन्ना ही दुख आ जां इन्नी किसानां दी सरकार इन्नी लोकां दी हताशी इन्ने दे पक्ष दी है तां सरकार नूं मेरी एक बेनती जरूर है भी क्यों ना तुसीं साडीआं मंगां मन लो, क्यों ना तुसीं इह काले कानून इन्हां नूं वापस ला लो, खारज कर दो। साडा किहड़ा इत्थे कोई किसान जिन्ने भी बैठे नेगे कोई शौक नूं तां बैठे नहीं है, कोई मेला तां है नहीं गा भी इत्थे कोई इंजॉयमेंट कर रहे ने सारे किसान बैठ के। जेकर तुसीं इन्ने ही साडे मन के चल तुहानूं इन्नी इस चीज़ का दुख है, तुसीं इन्ने लोगों के पक्ष दीआं गल्लां करदे हो, खास करके मेरी भाजपा सरकार नूं ही बेनती है, मोदी नूं ही बेनती है भी तुसीं साडे काले कानून वापस लाओ ते असीं इक असीं उसे शाम नूं घरे चले जावांगे। इस करके सारे ड्रामे कर रहे हैं सारे आपो अपने, जिवें कि पहलां इन्होंने बहुत सारे चालां चल रहे हैं, ये भी एक चाल है। मेरे नौजवानों नूं, मेरे सारे पंजाब वासियों नूं, मेरे देश वासियों नूं अपील यही है कि वड्डी गिणती दे विच तुसीं दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, साडे हक्कां दी लड़ाई है जो कि हकूमत साडे ते अलग अलग तरह के बार कर रही है, अपनी वड्डी गिणती दिल्ली होनी बहुत जरूरी है। दूजी गल मैं अपनी गल कर ला, मेरी मेरे भी कुछ परसनली काम होंगे ने, मैं मन के पहला मैं 2.5 महीने लगातार रहा इतने मोर्चे के हूँ, कई बार मैं पंजाब चला जाता, मेरे परिवार के मैंबर ने जोड़े पक्के मन के चल पक्के तौर पर इतने बैठे हुए हैं। इस करके मेरी नौजवानों वड्डी अपील यही है कि नौजवान हर एक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होंगे ने, जो भी कितने बदलाव आया नौजवानों ने लैके आया। जे जे इसकी गल कर लो, सब तो बड़े बदलाव की कर लो, जेकर असी देश आजाद करवाया तो राजगुरु सुखदेव सिंह भगत सिंह वर्गा ने फांसियां दे रस्से चुमे तो यह देश जाके आजाद होया। इस करके बेशक बापू गांधी वर्गे होर बहुत सारिया लड़ाइया लड़िया, पर जिहड़ी आजादी आई तो वह नौजवानों करके आई, खास करके पंजाब के नौजवानों करके आई, राजगुरु सुखदेव सिंह वर्गिया करके आई। इस करके जेकर तुम ये चाहो भी अपना यह मोर्चा आप जितांगे, अपनी लड़ाई जितनी है, तो नौजवानों का सब तो बड़ा सहयोग होना चाहिए। जो अज आप जवानी दे विच कर सकते हैं, इतों बाद 60 साल की उम्र के जाके वो काम नहीं कर सकते। इस करके मेरी नौजवानों को बेनती है भी तुम डट के इस मोर्चे के आओ, जो सरकार चाला चल रही ने करोना वाली वो गलों तो कोई डरन की लड़ नहीं। दूजी गल मैं कर लैना पंजाब की गल कर लैना, मैं पंजाब हरियाणा की गल कर लैना। पंजाब हरियाणा के कोई भी थोनू मैं पंजाब की थोड़ा मैं गरंटी दिना, कोई भी थोड़ा कितने भी प्रशासन थोड़ू नहीं रोक सकता, कोई भी किसानों का धरना मुजहरा कितने भी तुम कर सकते हो, बेशक चंडीगढ़ के होया, बेशक मोहाली के होया, बेशक अपने पंजाब के होर शहर होए, जे जेकर थोड़ू कितने भी पंजाब पुलिस या कितने भी प्रशासन थोड़ा रोकता तो डट के विद्रोह करो। उन्होंने ये गल कहो भी जे तुम आप सरकार के पक्ष में हो, सरकार के पक्ष दल करते हो तो सरकार कह के साडे काले कानून कारज करा दो, असी रोज़ मुजहरे नहीं करा। हुण जिहड़ी मेरी असली पंजाब के लोगों को बेनती है, क्योंकि पंजाब 2022 दीआं वोटां बड़ियां नेड़े आ गईआं, उन्हों लैके राजनीतिक पार्टियां बहुत सरगर्म ने गईआं, खास अकाली कांग्रसी जां आम आदमी पार्टी इन्हां दी गल कर लो। मैं तुहानूं अपील बेनती ही करना चाहुंदा भी जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं लुट्टिआ, जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं वेचिआ, जिहड़े अडानी अडवानीआं दे पक्के यार नेगे, जिहड़े मोदी नाल पक्की यारी है, तुसीं उहनां दीआं रैलियां दे विच की करन जांदे हो? मैनूं इस गल दा सवाल दा जवाब दिओ। जे कईआं दे सवाल दा इह वी कईआं दा जवाब होणा, मैं कईआं दे भुलेखे दुबारा फिर इस 'च कढ वी दिणा चाहुंदा कि तुहाडे मन के चल सब सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल की गल कर लो, कि श्रोमणी अकाली दल ने इस बिलों से सहमति नहीं सी, कि श्रोमणी अकाली दल ने अडानी अडवानी ने सैलो नहीं बनाए, कि इन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री नहीं रहे, कि इन्होंने मन के चल जदों कि असी किसानों ने विद्रोह करिया फिर इन्होंने तुहाडे पक्ष दीआं गल्लां करनियां शुरू करे ने, फिर इन्होंने कुर्सियां छड्डियां नहीं, तुसीं उन्हां रैलियां दे विच फिर तुरे जांदे हो। इस करके जिन्हां ने तुहाडे पंजाब नूं समें समें अनुसार बेचिआ, तुसीं उन्हां दा साथ क्यों दे रहे हो? दूजी गल कर लो, कैप्टन की गल कर लो, कांग्रेस की गल कर लो, पंजाब दे विच नैशनल हाईवे बन लई जा रहा है, दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस जिहड़ा बनता है उहदे विच कैप्टन ने की करिया, 6 लाख रुपये का रेट पाया एक प्रति एकड़ का, 6 लाख रुपया रेट पाया। मैनूं दसो भी सोने वर्गी पंजाब की जमीन जिदा कि करोड़ों रुपया रेट आ, 6 लाख रुपये किवें दे देंगे?
इस करके वो किसान ने जिहड़े साडे बहुत सारे किसान वड्डी गिणती दे विच पटियाले बैठे नेगे वह भी धरना दे बैठे ने क्योंकि हुण हाड़ी का सीजन है, हाड़ी का सीजन खत्म हो गया, हुण जमीना वेलियां ने, इन्हां ने तां रोड जमीना दे विच दी कढ देना। इतों पता लगता भी किनिया इन्हों के नाल जिहड़ा रोड बना रहे ने अडानी ते अडवानी रोड बना रहे नेगे वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्यापार है इंटरनेशनल व्यापार शुरू करना है, एक पासे का पूरे भारत के समुद्र लगता, दूजे पासे ग्लेशियर पहाड़ लगते हैं। जेकर सड़क राही व्यापार शुरू करना तो पंजाब बीच दी नैशनल हाईवे बना के किया जा सकता। इस करके सब तो बड़े जो सवाल ने गए भी मैनू ये दसो भी किसान जो व्यापार पाकिस्तान के होर कंट्रियां नहीं कर सकते, किसानों के कोल ट्रैक्टर नहीं या ट्रक नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ है किसानों के कोल। इस करके जी पंजाब गौरमेंट किसानों का व्यापार उधरों शुरू करा दे, ना कि जिहड़े उन्हां साथ दे रही है अडानी अडवानिया साथ दे रही है 6 लाख रुपये रेट दे रही है, वो असीं की असीं उस रेट ते जमीन दे देंगे। उत्थे कैप्टन आ जिहड़ा किसानों का गल सुनन नूं तैयार नहीं हैगा, किन्ने समय तक किसान धरना मारी बैठणे, जिहड़ा मोती महल उह तो 50 मीटर दूर जाके धरना दित्ता होया, कितें किसानों की आके गल नहीं पुछी। इस करके मेरी पंजाब के लोगों नूं हथ बन के बार बार बेनती अपील यही है भी जेकर तुहाडे मसलां दे हल होणगे तो वह दिल्ली के आके हल हो, ना कि तुम राजनीतिक पार्टियों के पिछे पिछे तुरे फिरो। एक मेरे पंजाब के लोगों को होर अपील है, बेनती यह है कि असी बड़े लंबे समय धरना मार ले, बड़े लंबे समय तो असं किसान अंदोलन करते आ रहे हैं, जथेबंद बहुत लंबे समय तो अकला आ ही नहीं साडा काले कानून, तो बहुत सारे समय तो असी मान के चल असी पंजाब की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लड़ाइया किसानों लिए मजदूरों लिए लड़ते आ रहे हैं। इस करके भी जेडे जो गद्दियों पर बैठना, जो मन के चल कुर्सियों की गल हो गई, तो यह राजनीतिक बंदे अगे आ गए। कदे इन्हां ने विधानसभा 117 सीटा ने पंजाब दी विधानसभा दी, 13 सीटा ने मन के चल लो अपने लोग सभा दी एमपी दी सीटा ने, 10 सीटा ने हरियाणा दी लोग सभा दी। इस करके मैं एक गल का सवाल का जवाब दो भी इन्हां ने जदों के साडे किसान जथेबंद किसान आगुओं ने विद्रोह किया इस काले कानून का, वह तो यह बड़े इन्हां दे बयान आने लग गए बाद जदों के अंदोलन सिखरां ते पहुँच गया। पहला जो इन्होंने किसी ने विद्रोह किया नहीं किया, जो सप्प लंघ गया बाद चली कुटी गए। इस करके लोड़ सानू हुण इस चीज़ दी समय अनुसार इस चीज़ की लोड़ आ विधानसभा लोग सभा राजसभा दे विच साडे अपने पढ़े लिखे नौजवान किसानों के पुत्र होण जिहड़ी साडी अपनी आवाज उठाउण, जिहड़े साडे अपने मसलों के हल आप कर सकन, ना कि जिहड़े साडे पंजाब नूं खुद नूं वेच साडे पंजाब नूं वेच के आउंदे ने, सानू उह बंदिआं दी लोड़ है। इस चीज़ ते भी बड़ा सानू चिंतित होण दी लोड़ है, जिन्ना टाइम इस चीज़ ते चिंतित नहीं होवांगे पंजाब दे खास करके नौजवान पंजाब दे लोक, उन्ना टाइम ये साडे मसलों के हल नहीं होण वाले। लंबे समय तो असीं बड़े धरने मुजाहरे लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं, कितें साडे मजदूरां नाल धक्का हो रहा, कदे साडे किसानां नाल धक्का हो रहा। पंजाब दे विच 90-95% लोग खेती पर निर्भर ने, पूरे भारत में 70% निर्भर ने खेती पर। इस करके लोड़ आ समय अनुसार सानू जो बदलाव की लोड़ है। हुण मेरी बेनती पंजाब के लोगों अगे, पंजाब के नौजवान अगे, मेरी हथ बन के बेनती यही है भी आप डट के मोर्चे के खड़ीए। पंजाब दे विच जेकर असीं अपनी यह लड़ाई जितना जितांगे तो हैगी, तो पंजाब का ते पूरे किसानों का हरियाणे का पूरे मन के चल पूरे किसानी का ना तो बड़ा बड़ा इतिहास रचा जाऊगा, रचा जा रहा है, इहदे कलमां चल रही ने। जे कितें इहो जी 19-21 गल हुंदी है तो असीं जिउण जोगर नहीं रहने, मेरी यही पंजाब अगे बेनती है, क्योंकि सानू असीं अपने शर्म के नाल ही मर जाएंगे जे कितें इहो जी 19-21 गल होगी। ये जित्या तां जाणा है, इस अंदोलन जित्या तां जाणा, क्योंकि वड्डी गिणती दे विच सानू इत्थे शमूलीयत करनी पैनी आ, बड़े इकट्ठ करने पैने आ, तां ही साडियां सरकारां गल्लां मनणगियां, नहीं सरकारां दे कन्न ते जूं नहीं सक रही। ते इन्ने क मैं पंजाब दे लोकां अगे बेनती करने सी, अपीलां करनियां सीगियां, ते इन्ने क मेरी पंजाब दे नौजवानां अगे बेनती आ भी वड्डी गिणती दे विच बारियां बन के आओ। दूजी एक मेरी होर बेनती ये है, खास करके एकता दी, जिहड़ी मैं एकता दी गल मैं तुहानूं करन नूं, उह मेरी एकता दी गल करनी बहुत जरूरी है। तुसीं एक चीज़ देखो भी पूरे हिंदुस्तान ते पूरे भारत दे अंग्रेज 200 साल राज करके पंजाब ते उन्होंने 100 साल राज करिया, 100 साल भी वह पंजाब दे विच उन्हां दा राज नहीं मन्निया जांदा। वह क्यों इन्ना समा थोड़ी जी घट गिणती वाले क्यों इन्ना समा राज करके, क्योंकि उन्होंने लोगों नूं पाड़ के रखिया, लोगों ने इकट्ठे नहीं होण दित्ता। इस करके राजनीतिक बंदिआं दा एक काम हुंदा, उन्होंने धर्मां दे आधार ते लोगों नूं लड़ा के रखना, जातां पातां दे विच वंड के रखना। इस करके मानस की जात एक है, सारी मनुखता की जात एक है, असी कोई धर्मां दे विच असी कोई जातां दे विच ना वंडीए। लोड़ आ सानू जेकर असी लड़ाई जितनी आ सानू एकता तवाक की बहुत वड्डी लोड़ है, कोई माड़े मोटे गल्लां दा बयानबाजी छड के जां स्टेजां तों बयानबाजी छड के असी एकता की गल करिए, तां ही असी इस अंदोलन नूं जित सकदे आ। इन्ना क मेरी तुहाडे अगे बेनती सीगियां, एकता बहुत होनी जरूरी है।
बस मैं थोड़े अगे फतेह बुला। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। राम राम, सलाम।